डिस्कवरी आई एस के असेस सेल्फ विद कोर्स में आपका स्वागत है एक कदम सफलता की ओर यह करेंट अफेयर्स पर आधारित यूनिक कोर्स यूपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है यह कोर्स आपको समाचार पत्रों का प्रभावी उपयोग सामान्य अध्ययन के लगभग एटी प्रतिशत पाठ्यक्रम को समझने में सहायक लेखन में सहायक होगा इस कोर्स में प्रत्येक सप्ताह 12 टॉपिक पर चर्चा करेगी और प्रत्येक रविवार एक कक्षा होगी 52 रविवार रविवार 12 टॉपिक सिक्स 624 टॉपिक पर उत्तर लेखन अभ्यास इस कोर्स में ऑनलाइन एवं ऑफलाइन कक्षाओं की सुविधा भी उपलब्ध है ऑफलाइन कक्षा क्लास रूम में प्रति रविवार सुबह ग्यारह बजे दो कक्षा निःशुल्क ऑनलाइन कक्षा डिस्कवरी आई एस के ऐप पर मिलेगी प्रति रविवार सुबह ग्यारह बजे दो कक्षा निःशुल्क इस पूरे कोर्स का एक साल का फीस सत्रह हजार रूपए है लेकिन अभी बीस प्रतिशत की छूट पर तेरह हजार छह सौ रूपए में उपलब्ध है अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9313058532 तीन एक तीन जीरो पाँच आठ पाँच तीन दो और डाउनलोड करें डिस्कवरी आई एस के ऐप को डिस्कवरी आई एस अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है हम लोग आज जिस कोर्स पर चर्चा कर रहे हैं उसका नाम आपके सामने है एस एस विद ओर विथ श्रीवास्तव सबसे पहले यह जानने की कोशिश करते हैं कि इस कोर्स को यह नाम क्यों दिया गया है सामान्य रूप से जब कोई व्यक्ति अपना उत्तर लिखता है या कोई भी आलेख लिखता है उसके मूल्यांकन का कार्य किसी और व्यक्ति द्वारा जिसको हम परीक्षक कह सकते हैं या जिसको आकलन करने वाला कह कर सकते हैं वह करता है सामान्य रूप से लेकिन यदि हम उस अपने उत्तर लेखन या अपनी ही बातों का परीक्षण करें या आकलन करें तो शायद हमें यह जानकारी मिलेगी कि हम आ, किस प्रकार से उत्तर लिख पा रहे हैं या उसके अंदर कौन सी कमी रह गई है और का सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि हम स्वयं में अपने आप में सुधार लाने में तुलनात्मक तो रूप से ज़्यादा सफल होते हैं इसलिए इस कोर्स को जब डिज़ाइन किया गया था उसके पीछे तर्क यह रखा गया कि इसमें जो छात्र है वह स्वयं अपना परीक्षण करेगा या स्वयं अपनी अपने, अपने लेखन का आकलन करेगा ताकि हर कदम पर उसको अपने अंदर सुधार लाने की क्षमता उसमें विकसित हो जो शिक्षक की भूमिका है वह एक सहायक की भूमिका है इस कोर्स में और उस सहायक के रूप में शिक्षक का कार्य यह है कि वह एक ऐसा दिशा निर्देश देता रहे जिससे कोई भी छात्र अपनी आ, अपने लेखन का परीक्षण करने में सफल या तो इस कोर्स के नामकरण की बात है इसकी विशेषता सबसे बड़ी विशेषता जो है वह यह है कि चूंकि समाचार पत्रों से पर आधारित प्रश्न इसमें रखे जाते हैं और पुस्तकों का प्रयोग नहीं है प्रश्न पूछने में केवल समाचार पत्रों में जो प्रकाशित आर्टिकल्स हैं या आलेख हैं उन पर आधारित प्रश्न हैं इसमें उसके दो फायदे हैं पहला यह है कि हम अखबार की आर्टिकल्स या आलेख को इस रूप में समझ पाएंगे कि उससे किस तरह के प्रश्न बनाए जा सकते हैं क्या उसमें जो तथ्य शामिल है उससे प्रश्न बन सकता है या उसके अंदर जो की संकल्पना या उसके जो भावार्थ है जो सार है उसका समरी या उसकी जो थीम है उस पर हमारे लिए भी प्रश्न बन सकता है पहली क्षमता तो यह विकसित होती है। दूसरी या दूसरा लाभ उसका यह है कि जब समाचार पत्रों पर आधारित प्रश्न है तो किसी एक विषय से वह बांध कर नहीं रखा जाए और समान अध्ययन के चारों प्रश्न पत्रों में अलग अलग विषय जो रखे गए हैं उन सभी विषयों से जुड़ने वाले प्रश्न उसमें किसी न किसी रूप में वो शामिल हो जाते हैं और उसमें कई बार कुछ ऐसे खंड से भी प्रश्न आ जा आ जा सकते हैं या कुछ ऐसे खंड से भी आलेख प्रकाशित हो जाते हैं जैसे चतुर्थ पेपर में पेपर फोर में जो नीतिशास्त्र से संबंधित मुद्दे हैं वह या पेपर वन में जो कला संस्कृति और विरासत से संबंधित मुद्दे हैं वह ऐसे भी कई आलेख जब अखबारों में प्रकाशित होते हैं तो वहाँ से भी जब हम प्रश्नों का चयन करेंगे तो पूरे सामान्य धन के चारों प्रश्न पत्रों पर हमारी दृष्टि जा सकती क्या जा जाती है इसका लाभ यह मिल रहा है कि यह कोर्स जब पूरा हो जाता है तो किसी भी छात्र के लिए यह सरल होगा कि वह लगभग 80 प्रतिशत जो प्रश्न जीएस से बन सकते हैं चारों प्रश्न पत्रों में उनका उत्तर लिखने की क्षमता उसके अंदर विकसित हो जा सकती है। इसके अलावा इस पूरे कोर्स की विशेषता यह भी है कि यह हमारे हमारी सोच हमारे विचार करने की क्षमता को तो हम तकनीकी रूप से कॉग्निटिव स्किल या संज्ञानात्मक क्षमता कहते हैं सोच विचार करने की क्षमता वह बढ़ाता है यह और उसके बढ़ाने से सबसे बड़ा लाभ क्या है कि हम किसी भी विषय किसी भी टॉपिक पर निबंध लिखने की कैपेसिटी या उसकी क्षमता विकसित कर ले सकते तो एक तरफ यह निबंध लेखन में दूसरी तरफ जीएस के चारों प्रश्न पत्रों के अलग अलग खंडों में हमारे लिए प्रश्न दे सकता है और देता है और उससे हम यह समझ पाते हैं कि अखबारों की तरफ से या अखबारों में प्रकाशित आलेखों को हम अपने उत्तर में कैसे शामिल कर सकते हैं और कैसे उसका लाभ ले सकते इसके अलावा इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हालांकि यह मुख्य परीक्षा विशेष कहा जा सकता है इसको मुख्य रूप से इसमें विश्लेषणात्मक बातें कही जाती हैं लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि अखबार में जो प्रकाशित आलेख है वह केवल मुख्य परीक्षा से जुड़ेगा उसमें बहुत सारी बातें बहुत सारे तथ्य बहुत सारी संकल्पनाएँ ऐसी हैं जो प्रारंभिक परीक्षा से भी जुड़ती हैं वह तो दोनों को दोनों परीक्षाओं में हमें लाभ पहुँचा सकते इसके साथ साथ एक और बात जो आपके स्क्रीन पर दिख रही है वह यह है कि अगर हम बारह प्रश्नों पर चर्चा करते हैं कि सप्ताह एक सप्ताह में एक कक्षा अगर कर रहे हैं और बारह प्रश्नों पर अगर चर्चा कर रहे हैं तो उसका आधार बारह आलेख हैं जो समाचार पत्रों ने प्रकाशित किए। अब उन समाचार पत्रों में मुख्य रूप से हिंदू है या इंडियन एक्सप्रेस है या मिंट है या कई बार प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के जो प्रेस रिलीजेस हैं वो है जो हमारे पाठ्यक्रम से सीधे सीधे जुड़ने वाले आ, मीडिया के सोर्स हैं वहाँ से जब हमने 12 आर्टिकल्स का चयन किया और 12 प्रश्नों पर चर्चा की है तो कुल मिलाकर अगर हम पूरे कोर्स की लंबाई देखें तो बावन सप्ताह में अगर हमने उसको जोड़ा तो आप लगभग 600 से अधिक प्रश्नों के उत्तर लिखने की प्रैक्टिस में रहेंगे अभ्यास तो करेंगे उसका और यदि कोई छात्र उस इस अभ्यास को जारी रखता है और 600 से अधिक प्रश्नों पर अगर उसने अपने उत्तर लेखन को दृढ़ बना लिया निश्चित रूप से उसको मुख्य परीक्षा में और बहुत हद तक प्रारंभिक परीक्षा में उसको प्रश्नों को पकड़ने में या प्रश्नों की समझ विकसित करने में उनकी मांग समझने में और उस तरीके से सटीक और सारगर्भित उत्तर लिखने की क्षमता उसकी विकसित होती है कुल मिलाकर प्रति सप्ताह एक कक्षा को ध्यान में रखते हुए 12 टॉपिक्स पर चर्चा करना और बावन सप्ताह में 624 टॉपिक पर चर्चा करना इस पूरे कोर्स की विशेषता है इसके अलावा मैंने यह भी बताया कि निबंध लेखन में यह सहायक है ही समसामयिक मुद्दों से जुड़ता है और नए तरह के जो प्रश्न आ रहे है, उनको हैं उनको पकड़ने में हमारी सहायता करते नए तरह के प्रश्न से मेरा तात्पर्य है कि अगर हम 10 साल पहले के प्रश्नों पर गौर करें और 10 सालों में जो प्रश्न आए उन पर गौर करें तुलनात्मक रूप से दस वर्ष पूर्व जो प्रश्न पूछे जाते थे उनका मूल स्रोत होता था आ, हमारी किताबें होती थी या हमारी पुस्तक होते थे और उनसे प्रश्न पूछकर परीक्षक यह कोशिश करता था कि उसके समसामयिक पक्षों को उससे जोड़ दिया जाए लेकिन उसका जो आधार होता था वह आधार था पुस्तकों से निकाले गए पुस्तकों के जो टॉपिक हैं उनसे प्रश्नों को बनाया जाना यह उसकी एक परंपरा रही थी उस वक्त पिछले दस सालों में यदि हम देखें तो हमने ठीक विपरीत स्रोत से हमने प्रश्न पूछना शुरू किया है और अब हमारे प्रश्नों की प्रवृत्ति यह है कि जो हमारे आसपास की घटनाएं हैं जिनका उल्लेख आलेखों के रूप में अखबारों में समाचार पत्रों में पत्रिकाओं में दिखता है वहाँ से प्रश्न निकाल लिए जाते हैं और हमसे यह अपेक्षा की जाती है कि हम उन प्रश्नों का उत्तर लिखने के दौरान हम उनकी उनसे संबंधित जो संकल्पनाएं हैं उन संकल्पनाओं पर विचार करें और उसके हिसाब से फिर हम अपने उत्तर को बेहतर से बेहतर बनाएं। तो ठीक उल्टी स्थिति में या उल्टे तरीके से प्रश्न पूछने की नई परंपरा की शुरुआत हुई है 2013 के बाद से और उसके लिए हमें समाचार पत्रों का कहन विश्लेषण करना बहुत महत्वपूर्ण उत्तर लेखन का अभ्यास करना बहुत महत्वपूर्ण अंत में यह बात बिल्कुल स्पष्ट है जितनी बात मैंने बताई अभी यह जो कोर्स है यह एक किसी क्षमता के विकास के लिए नहीं है यह केवल न तो समसामयिक है न केवल उत्तर लेखन का अभ्यास है न केवल समाचार पत्रों के आलेखों का विश्लेषण है बल्कि इसमें सभी ऐसे गुण शामिल हो जाते हैं जो एक छात्र के संपूर्ण व्यक्तित्व को उत्तर लेखन के संदर्भ में विकसित करा सकते समस्या यह आती है कि हम अगर वाकई हमने प्रश्नों का उत्तर लिखने का अभ्यास कर लिया तो इस कोर्स का वास्तविक लाभ दिया जा सकता है अपने अपनी समझ विकसित करने में अपने सोचने विचारने की क्षमता विकसित करने में और उत्तर को बेहतर से बेहतर बनाकर अच्छे अंक प्राप्त करने में ये कुल मिलाकर इस कोर्स की विशेषताओं पर मैंने जो बात कही है उसका एक उसकी एक झलक <coughs> आज अभी उस कक्षा में हम लोग बात करेंगे दो प्रश्नों पर चर्चा कर देता हूँ मैं आज और अगले सप्ताह से जब कक्षा की शुरुआत की जाएगी तो फिर हम बारह प्रश्नों पर अभी जैसे मैंने कहा कि बारह प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे और बारह आलेखों पर विस्तार से बात उस परंपरा की शुरुआत आज कर सकते हैं और क्या देखा जाएगा कि हम प्रश्नों को किस तरीके से समझेंगे और जो अभी मैंने कहा उसका लाभ हमें कहाँ और कैसे मिल सकता है इसके लिए हमें उसकी एक झलक देखने के लिए हम पहले प्रश्नों पर गौर करते हैं और उसके बाद फिर उसको समझने का प्रयास करते हैं कि और उसके संबंधित तथ्य कहाँ से आएंगे और कैसे आएंगे और कक्षा में क्या करेंगे हम उस पर बात करते हैं पहले एक नज़र प्रश्न पर डालते हैं पहला प्रश्न यह है कि उभरते हुए आर्थिक और औद्योगिक परिदृश्य ने भारत में श्रम कानूनों में बड़े पैमाने पर सुधार की मांग की थी सरकार द्वारा इस दिशा में उठाए गए कदमों पर चर्चा की अंग्रेजी भाषा में लिखा है कि दी इमर्जिंग इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियलियो डिमांडेड लार्ज स्केल रिफॉर्म्स इन लेबर लॉज इन इंडिया गवर्नमेंट इन दिस डायरेक्शन यहाँ आपके लिए लिख दिया गया है कि यह प्रश्न पत्र तीन अर्थशास्त्र से संबंधित प्रश्न है अब क्या है किसकी मांग समझनी है हमें कि उभरता हुआ आर्थिक परिदृश्य क्या है और उभरता हुआ औद्योगिक परिदृश्य क्या है दूसरी दो मांग है यह श्रम कानून किस तरह के भारत में है इसके बाद बड़े पैमाने पर सुधार का क्या अर्थ है और जो परिदृश्य हम बताएंगे उसने ऐसी मांग क्यों की थी इसके अलावा सरकार द्वारा इस दिशा में उठाए गए कदम वो कदम कौन से हैं इन सबों पर चर्चा करनी है इन सबों पर हमें अपने विचार रखने हैं ऑल टुगेदर डिमांड्स आर वन टू थ्री फोर एंड फाइव पांच तरह की मांगें इसमें अलग अलग रखी गई हैं इस प्रश्न में इसी आधार पर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं पर चर्चा करने के पहले एक नज़र अगर हम इसके आलेख पर डालें जहाँ से प्रश्न बनाया गया है Now, to tune the existing labor laws as per the emerging economic and industrial scenario, the government has enacted the four labor codes namely, the Code on Pages 2019, the Industrial Relations Code 2020, the Code on Social Security 2020, and the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code 2020. ये चार संहिताएं का उल्लेख है इसमें ये सरकार ने बनाई है अब कहा जा रहा है कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ डेफिनेशंस एंड अथॉरिटीज फैसिलिटेट इंप्लीमेंटेशन यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन एनफोर्समेंट ऑफ लेबर लॉज ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन एनफोर्समेंट एंड प्रमोट सेटिंग अप ऑफ मोर एंटरप्राइजेस विच इंसेंटिवाइज इकोनॉमिक ग्रोथ क्या जो पैराग्राफ है इस आलेख का दिस गिव्स यू दी आइडिया कि हमने श्रम कानूनों में संशोधन या सुधार क्यों किया है श्रम कानूनों में सुधार की आवश्यकता क्या है और क्यों हमने इसमें सुधार लाया है उसके उद्देश्य हैं यहाँ कि मल्टीप्लीसिटी ऑफ डेफिनेशन एंड अथॉरिटीज जितने कानून होंगे उतने कानूनों में उनकी परिभाषाएं होंगी शब्दावली की और जितनी परिभाषाएं होंगी जितने प्राधिकारी होंगे कानून की जटिलता बढ़ती जाती है जैसे जैसे कानूनों की संख्या कम होती है उनकी जटिलताएं घटती हैं और उनका प्रवर्तन या उनको लागू करने वाली जो क्षमता है सरकार की वह बढ़ जाती है। तो एक तो लाभ यह है इसलिए लिखा फैसिलिटेट इम्प्लीमेंटेशन यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन एनफोर्समेंट, श्रम कानूनों को लागू करने में जो तकनीकों का प्रयोग चाहिए वह है ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन एनफोर्समेंट पारदर्शिता और जवाबदेही दोनों लाएगा या और प्रमोट सिटिंग अप ऑफ मोर इंटरप्राइजेस विच इंसेंटिवाइज इकोनॉमिक ग्रोथ ऐसे उपक्रमों तो की स्थापना को बल मिलेगा जो आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहित करे ये श्रम कानूनों में जो व्याप बड़े पैमाने पर सुधार हो रहा है उन उस उन सुधारों का मूल उद्देश्य क्या है या उनका मुख्य प्रतिबल क्या है मेन थ्रस्ट क्या है उसका उल्लेख है इस पूरे पैराग्राफ इसके अलावा टेस्टेंडेंस डी प्रोटेक्शन अवेलेबल टू वर्कर्स इंक्लूडिंग अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स इन टर्म्स ऑफ मिनिमम वेज सोशल सिक्योरिटी एंड हेल्थ केयर ऑफ वर्कर्स ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस आर हेज फॉलो अब इसके बाद इसने कदम बताए हैं कि क्या किया है सरकार ने ए स्टैचुट्री राइट फॉर मिनिमम वेजेस एंड टाइमली पेमेंट ऑफ वेजेस मेड अवेलेबल फॉर ऑल वर्कर्स विच वुड ड्राइव अप डिमांड इन द इकॉनमी सपोर्ट सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ पहला जो आस्पेक्ट है इसका वो यह है एक वैधानिक अधिकार हमने दिया है श्रमिकों को किस चीज़ का न्यूनतम भत्ते का और उसके समय पर भुगतान करने का मतलब कि किसी भी श्रमिक के लिए न्यूनतम भत्ता और समय पर भुगतान करने का अधिकार एक सांवैधिक अधिकार है कानूनी अधिकार है इसके कदम भी हैं दिस पॉइंट इज इम्पोर्टेंट फॉर योर फिल्मस हो किसी भी श्रमिक को न्यूनतम भत्ता देने और उसको समय पर भुगतान करने के अधिकार की प्रकृति क्या है संवैधानिक है वैधानिक है राजनीतिक है आर्थिक है किस तरह की प्रकृति है वह एक फिल्म्स का क्वेश्चन बन सकता है अब अगर ऐसा अधिकार हमने दिया जो डिमांड बढ़ाएगा कहाँ अर्थव्यवस्था में डिमांड बढ़ाएगा और हारनीय और समावेशी विकास को प्रोत्साहित करेगा यह पहला है कि प्रोविजन फॉर एनुअल हेल्थ चेकअप एंड मेडिकल फैसिलिटी हैज बीन मेड तो फैसिलिटीज तो लेबर प्रोडक्टिविटी तो एंड इंक्रीजेस लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो वार्षिक रूप से हमने स्वास्थ्य के देखभाल की सुविधा उपलब्ध कराई है उससे होगा क्या श्रम उत्पादकता में वृद्धि होगी और जीवन प्रत्याशा बढ़ेगी अगर जीवन प्रत्याशा बढ़ती है तो मृत्यु दर कम हो रही है इसका मतलब अगर मृत्यु दर कम हो रही है तो जन्म दर भी कम होगी इसका अर्थ यह है कि यह जो कदम है इस कदम से हम भारत की जनांकिकी जो अभिलक्षण है डेमोग्राफिक जो एट्रीब्यूट्स हैं भारत के उनको भी सकारात्मक दिशा दे सकते हैं या सकारात्मक प्रभाव पर देखा जा सकता है एक तरफ यह अधिकार की बात कर रहा है दूसरी तरफ श्रम उत्पादकता की बात कर रहा है और तीसरी तरफ जीवन प्रत्याशा को बढ़ाने की बात कर रहा है ताकि हम जनांकिकीय जो लक्षण हैं भारत के उनको भी सुदृढ़ बना सकें और हम सकारात्मक दिशा हम अपनी जनसंख्या या जनांकिकी को दे सकते हैं उसके बाद है फर्स्ट टाइम ए स्टेच्यूटरी प्रोविजन टू इश्यू अपॉइंटमेंट लेटर टू एवरी इम्प्लॉय ऑफ दब्लिशमेंट विच लीड्स टू फॉर्मेलाइज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट दट इंक्रीजेज जॉब सिक्योरिटी बहुत अच्छा पॉइंट है सरकार का कि हम एक कानूनी प्रावधान कर रहे हैं कि नियुक्ति पत्र दिया जाएगा सभी एम्प्लॉय को का लाभ क्या होगा कि जो अनुबंध है संस्था के साथ वह औपचारिक हो जाएगी औपचारिक हो गया और विधिक तो है ही पहला दूसरा इसका लाभ क्या होगा तो आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित होगी सरकार के कदमों से लाभ क्या हो रहा है पहला लाभ है कि हम एक वैधानिक अधिकार दे रहे हैं प्रत्येक श्रमिक को कि तो उसको न्यूनतम भत्ता मिलेगा और आ, उसकी समय पर उसका भुगतान किया जाएगा एक तो यह है दूसरा है कि श्रम की उत्पादकता में वृद्धि की जाएगी और श्रम की उत्पादकता बढ़ाने के साथ साथ हम आजीविका सुरक्षा भी प्रदान कर रहे हैं यहाँ और हम अनुबंध को औपचारिक बना रहे हैं ताकि असंगठित क्षेत्र के जो या अनौपचारिक क्षेत्र के जो श्रमिक हैं उनकी समस्याओं या उनके हित उनकी समस्याओं का समाधान हो सके और उनके हितों की अनदेखी नहीं होती इसके साथ साथ है कि प्रोविज़न ऑफ री स्किलिंग प्रोविजन ऑफ री स्किलिंग फंड फॉर स्किल डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स वन रिटर्न वन लाइसेंस एंड वन रजिस्ट्रेशन विच लीड्स टू ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड ओवरऑल इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी इतने कदम सरकार ने जो उठाए श्रम सुधारों श्रम कानूनों में सुधार के लिए उसके इतने लाभ हमें प्राप्त हो रहे हैं ये पूरी व्याख्या अगर यह आलेख कर रहा है हमारे लिए सीधे सीधे प्रश्न दे रहा है और वही प्रश्न हमने ओपी ऊपर लिखा है उसमें आपको ध्यान केवल यह रखना है कि उसका जो पहला वाक्य है कि व्याख्या करने की आवश्यकता क्या है उभरते हुए आर्थिक और औद्योगिक परिदृश्य ने भारत में श्रम कानूनों में बड़े पैमाने पर सुधार की मांग की थी वह परिदृश्य क्या था और उसके लिए कौन से कारक जिम्मेवार करता हुआ आर्थिक और औद्योगिक परिदृश्य का आरंभ होगा उन्नीस सौ आर्थिक उदारीकरण को तो स्वीकार करने वाली नई आर्थिक नीति का क्रियान्वयन किया पहला काम तो यह किया का लाभ क्या मिला क्या इसके तहत हमने क्या किया कि जो पूंजीगत उद्योग थे उनका रूपांतरण कर दिया हमने उपभोक्ता उद्योगों में कैपिटल इंडस्ट्रीज वेयर शिफ्ट ट्रांसफॉर्म इनटू कंज्यूमर इंडस्ट्री ताकि बाजार का अधिक से अधिक लाभ लिया जा सके पहला परिवर्तन तो यह था इसके बाद दूसरा परिवर्तन यह हुआ कि हमने निजीकरण को प्रोत्साहन तो दिया और इसका उद्देश्य दो था दो उद्देश्य एक बाजार में प्रतिस्पर्धा और दूसरा अर्थव्यवस्था में निवेश की प्राप्ति लाभ और कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में निवेश की प्राप्ति जब हुई तो इससे औद्योगिकरण की दर में वृद्धि अगर औद्योगिकरण की दर बढ़ती है तो श्रम की मांग में वृद्धि हो गई रोजगार के अवसर तो बढ़े जरूर लेकिन समस्या क्या हो गई चूंकि निजी उद्योग इसमें काम कर रहे थे उन्होंने मुनाफा और अतिरेक या सरप्लस प्राप्त करने की जो मानसिकता निजी क, निजी कंपनियों को होती है उसने श्रमिकों के शोषण में वृद्धि करा दी श्रमिकों का शोषण और अधिकांशतः हमारे जो श्रमिक शोषित हो रहे थे वो अनौपचारिक क्षेत्र के थे बिकॉज इंडियन लेबर मार्केट हैज़ 94% परसेंट लेबर इन इनफॉर्मल सेक्टर अनौपचारिक क्षेत्र में लगभग चौरानवे प्रतिशत श्रमिक संलग्न हैं इसलिए उनके शोषण की दर तीव्र गति से बढ़ गई इस कारण से व्यापक श्रम सुधारों की आवश्यकता पड़ गई कानूनों में और जितने भी कानून आ, श्रम से संबंधित थे से लिया कारखाना कानून है औद्योगिक विवाद कानून था या न्यूनतम भत्ता कानून था जितने भी ऐसे श्रम संबंधी कानून थे उनका विलय करा के हमने चार संहिताओं का निर्माण किया और वो है अभी जो ऊपर देखा आर्टिकल में कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी इस तरीके के हमने चार संहिताओं का निर्माण कर लिया है और उन संहिताओं के माध्यम से हम करना क्या चाहते हैं इसकी चर्चा अभी हमने आर्टिकल के पॉइंट से की है कि उससे हम श्रमिकों को अधिकार भी देंगे उनकी उत्पादकता बढ़ाएंगे काम करने में तकनीकों का प्रयोग करेंगे और उसकी वजह से उसका इन्फोर्समेंट ज़्यादा सरल होगा उसकी जटिलताएं कम होगी तो श्रम कल्याण की तरफ हम आगे बढ़ सकते हैं यह हमारा उद्देश्य है और तभी हम इस प्रश्न को इस रूप में समझ सकते हैं कि इसकी डिमांड क्या है मांग की थी सरकार द्वारा इस दिशा में उठाए गए कदमों पर चर्चा कीजिए तो हमें ये चर्चा करनी है इसका मतलब कि हमें अपना विचार भी लिखना है उसमें हम यह लिख सकते हैं कि सरकार ने जो कदम उठाए थे वो कदम निश्चित रूप से प्रभावी और तर्क संगत कदम कहे जा सकते हैं हालांकि ऐसे ऐसी संहिताओं को लागू करना बहुत सरल कार्य नहीं है फिर भी जो हमने सैद्धांतिक ढांचा रखा है इसका उससे ऐसा प्रतीत होता है कि यदि इनका क्रियान्वयन प्रभावितता के साथ कर दिया जाए तो हम श्रम कल्याण को और श्रमिकों श्रम कल्याण को श्रमिकों श्रम के शोषण को रोकने वाली प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित कर सकते हैं इस तरीके से हम इस प्रश्न के उत्तर पर विचार कर सकते हैं और उत्तर लेखन का अभ्यास कर सकते हैं <स्थ> यहाँ उसी तरीके से आंसर फॉर्मेट दिया हुआ है उभरता हुआ आर्थिक एवं औद्योगिक परिदृश्य क्या है ऐसा बदलाव क्यों हुआ है ऐसे बदलाव के कारण नई मांगें क्या थीं? श्रम कानूनों की वर्तमान स्थिति क्या है सरकार द्वारा किए गए परिवर्तन क्या हैं संभावित प्रभाव क्या है और फिर हमारी चर्चा है वह हमारा निष्कर्ष होगा तो जितनी बातें मैंने बताई वो सारी चीज़ों को समेट कर अगर इसमें लिखेंगे तो हमारे उत्तर की तार्किकता बढ़ती है दैट वे यू कैन सिक्योर बेटर मार्क्स एक और प्रश्न पर आज मैं चर्चा कर देता हूं ताकि अगले सप्ताह से जब हम कक्षा को संचालित करेंगे पूरी तरीके से उसमें हम 12 प्रश्नों पर बात करेंगे और जैसा मैंने कहा कि 12 क्वेश्चंस 12 आर्टिकल्स वंस अ वीक एक सप्ताह में एक दिन में 12 प्रश्न 12 आलेख और इसी तरीके से उसकी व्याख्या करेंगे दूसरा प्रश्न है कि भारत की कूटनीति में मध्य एशिया प्रमुख प्राथमिकता बना हुआ है इस कथन के आलोक में मध्य एशियाई देशों के, के लिए भारत की नीति पर आलोचनात्मक चर्चा कीजिए सेंट्रल एशिया रिमेन्स अ की प्रायोरिटी फॉर इंडियाज डिप्लोमेसी द लाइट ऑफ द स्टेटमेंट क्रिटिकली डिस्कस इंडियाज पॉलिसी टुवर्ड्स सेंट्रल एशियन स्टेट्स क्या चाहता है प्रश्न यह भारत की कूटनीति क्या है मध्य एशिया कूटनीतिक दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण भारत के लिए प्रमुख प्राथमिकता बना हुआ है क्यों तीसरा है अब जो हमने यहाँ लिखा उसी कथन के आलोक में लिखना है कि भारत की कूटनीति क्या है मध्य एशिया का महत्व क्या है और यह प्राथमिकता क्यों बना हुआ है तीन बातें तो यही हो गई इस कथन के आलोक में मध्य एशियाई देशों के लिए भारत की नीति क्या है और उसकी व्यवहारिता कितनी कितना सही कितना गलत कितनी व्यवहारिक हो सकती है मध्य एशियाई देशों के साथ भारत के संबंधों को कितना बेहतर कर सकती यह मांग है इस प्रश्न की एक नजर इसके आलेख पर डालते हैं लिखा है कनेक्टिविटी विद सेंट्रल एशियन कंट्रीज रिमेन्स की प्रायोरिटी फॉर इंडिया सेट दी प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया यंग डिप्लोमेट्स ऑफ तुर्कमेनिस्तान at the institute of international relations in ashgabat today. the president said, india is a member of both the international north-south transport corridor and the ashgabat agreement. we have taken steps to operationalize the chabahar port in iran, which can provide a secure, viable, unhindered access to sea for the central asian country. <laughs> कि भारत अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे का सदस्य है भारत अशगाबाद समझौते का भी सदस्य है और चाबहार बंदरगाह जो ईरान में है उस पर भी काम कर रहा है किस उद्देश्य से उद्देश्य यह है सिक्योर वायबल एंड अनहिंडर्ड एक्सेस टू दी फॉर सेंट्रल एशियन कि भारत की ओर से जो प्रयास किए गए कूटनीतिक उसका लाभ मध्य एशियाई राष्ट्रों को मिलेगा चूँकि वो सब स्थलबद्ध राष्ट्र हैं लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं इसलिए उनकी पहुंच समुद्री मार्गों तक नहीं है लेकिन भारत क्योंकि नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का भी सदस्य है असगाबाद समझौते का भी है और चाबहार बंदरगाह पर भी काम कर रहा है इसलिए भारत की तरफ से उठ, भारत की ओर से उठाए गए कदमों से मध्य एशियाई राष्ट्रों को समुद्री मार्ग तक उनकी पहुँच बढ़ती है और वह पहुंच कैसी होगी व्यावहारिक भी होगी और सुरक्षित भी होगी तो भारत की जो कूटनीति है वह मध्य एशिया के व्यापार को का विस्तार कर रही है उसमें योगदान दे रही है एक बात तो यह है दूसरा है ही सेट दैट वाइल पेंडिंग कनेक्टिविटी इट इज इंपॉर्टेंट टू इंश्योर दैट कनेक्टिविटी इनिशिएटिव आर कंसल्टेटिव ट्रांसपेरेंट एंड पार्टिसिपेटरी जब हम कनेक्टिविटी करते हैं किसी के भी साथ संपर्क बढ़ाते हैं वह संपर्क किस रूप में होना चाहिए और कैसे संपर्क बढ़ना चाहिए वह प्रक्रिया होनी चाहिए परामर्शी पारदर्शी और सहभागी तीन पिलर्स हो गए इंडियन इंडियन कनेक्टिविटी विद सेंट्रल एशिया इज फाउंडेड ऑन थ्री पिलर्स कहा जाएगा कि भारत की जो मध्य एशिया नीति है या मध्य एशिया के प्रति जो कूटनीति है भारत की वह तीन मूल्यों पर आधारित है और वह मूल्य हैं संपर्क से जुड़ने वाले और वो मूल्य हैं परामर्श परामर्शी होना प्रक्रिया का पारदर्शी प्रक्रिया और सहभागिता के साथ विथ रेस्पेक्ट फॉर दॉवरिंटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ ऑल कंट्री ये महत्वपूर्ण बात क्या है कि ऐसा कोई भी कार्य करेंगे परामर्शी हो या पारदर्शी हो या सहभागी हो उससे किसी भी राष्ट्र की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए अहस्तक्षेप तो की नीति भी है यह नॉन इंटरवेंशनल पॉलिसी इंडिया स्टैंड रेडी टू कोऑपरेट इन्वेस्ट एंड बिल्ड कनेक्टिविटी इन द रीजन द प्रेजिडेंट सेट दैट इंडियाज फॉरन पॉलिसी हैज बीन

स्वतंत्रता तो के बाद से लगातार इसका विकास हो रहा है, इवॉल्विंग और भारत विश्व में एक प्रमुख और बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभर गया है भारत की जो प्रौद्योगिकीय क्षमता है वह बढ़ गई है और उसने जितने भी तरह के वैश्विक जो वार्ताएं हैं उनको दिशा देने में भारत की विदेश नीति की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही और उसी के कारण भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हतर बन रही इसके बाद इस इस तो है कि प्रेसिडेंट सेड दैट वन ऑफ द की पिलर्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इन रीसेंट ईयर्स बीन द नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की समझ होनी चाहिए दीचिंग ओवर आर्किंग फिलोसफी ऑफ इंडियाज एंगेजमेंट विथ इज नेबर्स टू इंश्योर दैट दे ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम आवर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ दस the focus of our neighborhood first policy is to enhance connectivity. पहले पड़ोस की नीति का उद्देश्य क्या है संपर्क में वृद्धि augment trade, व्यापार में वृद्धि investment and build a secure and stable neighborhood. सीधे सीधे वाक्य लिखा जा सकता है उत्तर में कि भारत ने हाल के वर्षों में पहले पड़ोस की नीति पर कार्य आरंभ किया है और पहले पड़ोस की थोड़ी व्याख्या कर देता हूँ अलग से पहले पड़ोस की नीति का उद्देश्य यह है कि पड़ोसी राष्ट्रों के साथ हमारे संपर्क बढ़ें हमारा व्यापार और निवेश बढ़े और हमारा जो पड़ोस है वह सुरक्षित और स्थिर बना रहे अगर पड़ोस सुरक्षित और स्थिर बना रहेगा तो उसके सभी राष्ट्र परस्पर सहयोग करके एक दूसरे का विकास बढ़ा करा सकते हैं उसमें योगदान दे सकते अब इसमें जो पहले पड़ोस की नीति है उसकी विशेषता क्या है तो भारत ने इसमें पहली बार पड़ोस की व्याख्या की है और इसका एक कंसेंट्रिक रिंग मॉडल अगर देखें छल्ले की तरह तो बीच में कर दिया केंद्र में भारत है पहला जो रिंग है इसका तीन रिंग्स हैं मतलब किसका फैलाव जल तरंग की भांति वाटर वेव्स की तरह हो रहा है दैट्स वाई इट इज कॉल्ड कंसेंट्रिक रिंग हल्लाकार उस तरीके से फैल रहा है हॉरिजोंटली इसमें क्या है यह है निकटतम पड़ोस ये है विस्तारित पड़ोस और यह है सामरिक पड़ोस अंग्रेजी शब्द इसके लिए हो जाएगी स्ट्रैटेजिक स्ट्रैटेजिक नेबरहुड ये हो गया विस्तृत का हो गया एक्सटेंडेड नेबरहुड और क्या हो गया इमीडिएट नेबरहुड अब इमीडिएट कहने का मतलब है कि जिन राष्ट्रों के साथ भारत की सीमा की साझेदारी है वो उसके निकटतम पड़ोस है जो जाहिर है दक्षिण एशिया है कट्टम पड़ोस में दक्षिण एशिया एशियाई राष्ट्र अब दक्षिण एशिया को यहां पर केंद्र में रख दें साउथ एशिया तो यहां पर वेस्ट एशिया है सेंट्रल एशिया है ईस्ट एशिया है और साउथ ईस्ट एशिया वेस्ट एशिया कहें या इसको मिडिल ईस्ट कह लें त्री अफ्रीका जोड़ दें तो मिडिल ईस्ट हो गया तो दक्षिण एशिया की अवस्थिति जोग्राफिकली ऐसी है कि इसके चारों तरफ सभी एशिया के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्र इसको घेरे हुए हैं यहाँ पर हमने कहा साउथ एशिया साउथ एशिया का जो नेबर है वह तो उससे तो हमारी सीमा की साझेदारी है लेकिन इसका एक्सटेंशन पश्चिम में भी है सेंट्रल भी है ईस्ट भी है साउथ ईस्ट क्या हो गया विस्तारित पड़ोस में आ जाएंगे वेस्ट एशिया सेंट्रल एशिया ईस्ट एशिया एंड साउथ ईस्ट के एक्सटेंडेड नेबरहुड के पार्ट हो अब स्ट्रेटजिक मतलब है सुरक्षा अब इसको अगर हम इंडो पैसिफिक हिंद प्रशांत का क्षेत्र अगर कंपेयर करें इसमें तो हिंद प्रशांत का क्षेत्र आरंभ होता है चीन के पूर्वी तट से या पूर्वी चीन सागर से उसको हम मैप पर देखेंगे तो समझ में आएगा पूर्वी चीन सागर से अगर हम दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं तो वील गो टू मलक्का जल संधि स्टेट ऑफ मलक्का वहाँ से इंडियन ओशन इंडियन ओशन से भारत को क्रॉस करते हैं अगर तो वह हम अरेबियन सी में आएंगे अरेबियन सी से उत्तर की तरफ बढ़ेंगे पश्चिम और उत्तर तो वी विल टच दी ईस्ट अफ्रीकन कोस्ट और ईस्ट अफ्रीकन कोस्ट से ऊपर बढ़ जाएं तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका तक हम पहुंच सकते हैं वहां से जब आगे बढ़ेंगे टॉर्ड्स वेस्ट तो हमें लाल सागर मिलता है रेड सी और रेड सी क्रॉस करते हैं देन वी आर इन दी मेडिटरेनियन सी भूमध्य सागर में पहुंच तो पूर्वी चीन सागर से लेकर हॉर्न ऑफ अफ्रीका तक का एक आर्क बन रहा है वो इस तरीके से इसको कहा जाता है सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन तो इस समुद्री मार्ग से अगर हम इसको देख रहे हैं इंडो पैसिफिक तो भारत के अगर भारत में यहाँ से ये यह आरंभ हो रहा है इस तरीके से तो अफ्रीका के पूर्वी तट पर और यहाँ पर रेड सी है इधर आएंगे तो मेडिट्रेनियन है अफ्रीका का पूरा पूर्वी तट भारत का सामरिक पड़ोस आ जाएगा पूर्वी अफ्रीकी राष्ट्र ये पहली बार भारत ने अपनी विदेश नीति को में नेबरहुड फर्स्ट को वर्गीकृत किया है और नेबरहुड को वर्गीकृत किया है कि व्हाट एग्जैक्टली इज आवर नेबरहुड पड़ोस हमारा क्या है तीन भागों में बांटा अब इसको अगर हम आलेख में देखें इन रिसेंट ईयर हैज द द नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी ऑफ विद नेबर्स इज टू इंश्योर दैट दे ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम आवर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारे उद्देश्य क्या है हमारा कि हमारे जो पड़ोसी राष्ट्र हैं उनको भी आर्थिक समृद्धि का लाभ भारत की आर्थिक समृद्धि का लाभ मिलता रहे और उसके लिए और क्या रहे हैं इन्हेंस कनेक्टिविटी सभी पड़ोसी राष्ट्रों के साथ संपर्क बढ़ाएंगे व्यापार और निवेश में वृद्धि करेंगे और अपने पड़ोस को सुरक्षित और स्थिर बनाए रखें उसी तरीके से आगे ही सेट दैट वाइल इंडो पैसिफिक इज ए रिसेंट एडिशन टू तो द जियो पोलिटिकल एक्सकॉन इंडियाज एंगेजमेंट विद इन इंडो पैसिफिक रीजन गोज बैक सेवरल सेंचुरी अभी जो मैंने कहा कि पूर्वी चीन सागर से लेकर पूर्वी अफ्रीकी तट वाया टेट ऑफ मलक्का एंड इंडियन ओशन पे ऑफ बंगॉल इंडियन ओशन रेबियन दैट कवर्स पर्सियन गल्फ दैट कवर गल्फ ऑफ उमान सब गल्फ ऑफ एडन सब उसमें उसके भाग हो जा रहे हैं तो उसको अगर सेफ और सिक्योर करते हैं तो हमारी स्थिति नेबरहुड में होगी इसको ध्यान में रखकर हमने सेंट्रल एशिया के साथ संबंध बनाने की कोशिश की भारत की जो uh, मध्य एशिया नीति है वर्तमान में वह कई मुद्दों पर आधारित है वह है सबसे पहला ऊर्जा एनर्जी दूसरी है सुरक्षा सिक्योरिटी तीसरी है व्यापार ये तीन पिलर्स हैं इंडिया की सेंट्रल एशिया पॉलिसी इन्हीं पर भारत काम कर रहा है इसीलिए भारत अशगाबाद समझौते का भी सदस्य है इसीलिए भारत चाबहार बंदरगाह पर भी काम कर रहा है और इसीलिए भारत अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे का भी एक प्रमुख सदस्य है तो हमारा और इसके लिए हमें करना क्या है संपर्क में वृद्धि करनी है कनेक्टिविटी हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण और कनेक्टिविटी की जो प्रक्रिया होगी वह ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए पारदर्शी होनी चाहिए कंसल्टेटिव होनी चाहिए परामर्शी होनी चाहिए और सेफ़ एंड सिक्योर होनी चाहिए तो इसके आधार पर हम मध्य एशिया को महत्वपूर्ण दर्जा दे रहे हैं ठीक उसी तरह जैसे हमने ऊर्जा के लिए पश्चिम एशिया या मध्य पूर्व को दिया है ठीक उसी तरह जैसे हमने व्यापार निवेश के लिए सुरक्षा के लिए पूर्वी एशिया को दिया है जिसमें हमारा संबंध जापान और दक्षिण कोरिया तक विस्तृत है और उसी तरह जैसे हमने सुरक्षा व्यापार निवेश के लिए हमने दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों या आसियान के साथ अपने संपर्क बनाए हैं उसी तरीके से भारत की मध्य एशिया नीति भी उन संपर्कों को बेहतर करेगी लाभ इसका क्या मिलेगा कूटनीति की सबसे बड़ी विशेषता यहाँ क्या है कि हमने अपने प्रयासों से हमने स्थलबद्ध मध्य एशियाई राष्ट्रों को समुद्री मार्गों तक पहुंच दिलाने में योगदान दिया है इससे हमारे संबंधों की सुदृढ़ता बढ़ने की संभावना है इस तरीके से हम इस प्रश्न का उत्तर आसानी से लिख सकते हैं आलेख के बेस पर हम उसको समझ भी सकते हैं और अपनी समझ विकसित करके हम उसका उत्तर भी लिख सकते हैं और उत्तर में तथ्यात्मकता तथ्य भी होगा विश्लेषण भी होगा और जो वह चाहता है परीक्षक उसकी मांग भी पूरी ये ये तरीका होगा हमारी कक्षाओं का अगले सप्ताह से और इसी तरीके से हम 12 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे 12 आलेखों पर चर्चा करेंगे एक सप्ताह में एंड वी विल कंटिन्यू विथ 52 वीक्स बावन सप्ताह तक हम इस पर काम करते रहेंगे ताकि जैसे मैंने शुरू में कहा था कि सबसे बड़ा लाभ इसका यह है कि आप सामान्य अध्ययन के लगभग अस्सी प्रतिशत से अधिक प्रश्नों पर आपका ध्यान जा सकता है इसमें और यदि आपने प्रश्नों का उत्तर लिखने का अभ्यास जारी रखा इस कोर्स का अधिक से अधिक लाभ दिया जा सकता इस कोर्स में ऑनलाइन एवं ऑफलाइन कक्षाओं की सुविधा भी उपलब्ध है ऑफलाइन कक्षा क्लास रूम में प्रति रविवार सुबह ग्यारह बजे दो कक्षा निःशुल्क ऑनलाइन कक्षा डिस्कवरी आई एस के ऐप पर मिलेगी प्रति रविवार सुबह ग्यारह बजे दो कक्षा निःशुल्क इस पूरे कोर्स का एक साल का फीस सत्रह हजार रूपए है लेकिन अभी बीस प्रतिशत की छूट पर तेरह हजार छह सौ रूपए में उपलब्ध है अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें नो तीन एक तीन जीरो पाँच आठ पाँच तीन दो और डाउनलोड करें डिस्कवरी आई एस के ऐप को